फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस LHB ट्रेन के बारे में। ये जो खाली रेक यहां पर खड़ा हुआ है, ये यहां से जाने के लिए तैयार है, हालांकि अभी नहीं जाएगा। इसमें वह 4 लोको लगा हुआ है, आप लोगों को पेंटो दिखाई पड़ रहा होगा। बंदर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, 2 चिपक कर बैठे हुए हैं ठंड के मौसम में। ये अभी अनजान है कि आधे घंटे बाद लगभग जब 15010 ट्रेन जो मैलानी से गोरखपुर जाती है, उसके जाने के बाद इस रेक को रवाना किया जाएगा, इस ट्रेन को, तब एकदम से ये बंदर यहाँ से भागेंगे। तो देख सकते हैं पूर्वोत्तर रेलवे के ये कोचेस हैं, LHB पूरी ट्रेन है और फिलहाल 15010 ट्रेन अभी आई नहीं है। आगे से दिखाते हैं आप लोगों को। तो वह 4 लोको लगा हुआ है और किसी भी टाइम ये जा सकता है 15010 के बाद। तो कई लोगों ने ये कयास लगाया कि कहीं ये लखनऊ छपरा एक्सप्रेस ट्रेन में तो नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि 15 दिसंबर 2022 से जो लखनऊ छपरा एक्सप्रेस ट्रेन है उसका संचालन LHB कोचेस के द्वारा किया जाना है। काफ़ी दिन से लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए थे, इसे एक तरह से आप लोग पार्किंग स्टेशन के नाम से भी जान सकते हैं। आप लोगों को इसका डिपार्चर का व्यू लखीमपुर रेलवे स्टेशन के आउटर से दिखाएंगे, यानी कि यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर के आगे से। फिलहाल इसमें जो डेलीगेट स्पेशल NER मजदूर यूनियन ट्रेन, ये जो लिखा हुआ है NERMU, तो इनको हो सकता है हटाया जाए। तो एक तरह से पक्की तरीके से नहीं कह सकता हूँ, मतलब कि श्योर नहीं हूँ कि यही ट्रेन जो लखनऊ से छपरा के बीच में चलती है, तो उसमें LHB कोचेस के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा 15 दिसंबर 2022 को। और पहली बार यहाँ पर आप लोग देखिएगा, हालांकि इससे पहले भी इसका वीडियो डाल चुके हैं, तो 15010 ट्रेन जो आएगी, तो 2-2 LHB वाली ट्रेनें यहाँ से डिपार्चर के लिए तैयार रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को इसका व्यू दिखाते हैं आउटर से, डिपार्चर का व्यू वह 4 लोको के द्वारा, क्योंकि समानता इस वजह से भी लग रही है, इस पर भी NE लिखा हुआ है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, और लखनऊ छपरा या उत्सर्ग एक्सप्रेस वो भी NER की ही है। तो चलिए आउटर से दिखाते हैं आप लोगों को इसका व्यू। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिग्नल ग्रीन हो गया है और ट्रेन आने वाली है। तो थोड़ा सा शुरुआत में मैं गलत बोल गया हूँ, लखनऊ छपरा फरुखाबाद ये जो शेयरिंग रेक वाली ट्रेन है, तो लखनऊ से छपरा के बीच में LHB कोच के द्वारा इस ट्रेन का संचालन 16 दिसंबर 2022 से शुरू किया जाएगा, वहीं छपरा की दिशा से 17 दिसंबर 2022 से। आप लोग थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिएगा, शुरुआत में जो गलत बोल गया हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, वह 4 के द्वारा इस रेक को ले जाया जा रहा है लखनऊ की दिशा में। आखिरकार पार्किंग रेलवे स्टेशन से एक रेक चला गया है, अब नए रेक के आने का इंतज़ार है। कौन सी ट्रेन का रेक आएगा लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर, पता नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इस तरह से समय समय पर यहाँ पर कई तरह के रेक आकर खड़े हो जाते हैं, पार्क कर दिए जाते हैं। पार्किंग रेलवे स्टेशन के नाम से लखीमपुर रेलवे स्टेशन मशहूर है। तो देखना होगा इस ट्रेन का संचालन भी लखनऊ छपरा फरुखाबाद एक्सप्रेस ट्रेन में होता है या नहीं होता है। उत्सर्ग एक्सप्रेस में भी LHB कोचेस लगाए जाने हैं, तो शेयरिंग रेक वाली ट्रेन है, ऑटोमेटिकली LHB कोचेस इसमें लग जाएंगे। तो देखना होगा किस तारीख से छपरा से फरुखाबाद के बीच में उत्सर्ग एक्सप्रेस का संचालन शुरू होता है LHB कोच से, और कौन सी ट्रेन, यही रेक होगा या कोई दूसरा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।